लंबी हलके को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, बोले अगर हाईकमान चाहेगा तो लंबी हलके से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव। सीएम बोले कोई भी आ जाए। जलालाबाद से नवजोत सिंह सिद्धू अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत। सुखबीर बादल का बयान, बोले भगवंत मान की जमानत जब्त करवाएंगे। आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर दलजीत सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया स्वागत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकमल कौर बीजेपी में शामिल, कांग्रेस में अनदेखी का आरोप। कांग्रेस ने फिलौर से बदला अपना उम्मीदवार, विक्रम चौधरी को मैदान में उतारा। आज नवांशहर के बंगा हलके में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तो रायकोट और पायल विधानसभा में होंगी डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की सभाएं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भरेंगे हुंकार, बठिंडा के रामपुरा फूल में कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। अमृतसर उपचुनाव के लिए गुरजीत सिंह गौचला के समर्थन में कांग्रेस का रोड शो। आम आदमी पार्टी की पंजाब लीगल सेल की मेंबर किरणजीत कौर ने अरविंद केजरीवाल को लिखा खत, 10 सवालों पर 3 दिन में जवाब मांगा। इस फाइल पर पूछा आम आदमी पार्टी का स्टैंड और महिलाओं के शोषण के आरोपों पर क्या हुई कार्रवाई। टीएमसी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उतारे और उम्मीदवार, जगमीत बराड़ का बयान, अभी तक 15 कैंडिडेट्स का हो चुका है ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए प्रशासन तैयार, जलालाबाद में पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। आज भी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा के साथ पंजाब की बात का कारमा ऊपर से दिखाएगा चुनाव के रंग, ग्राउंड जीरो से नेताओं और जनता से होगी जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सीधी बात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का आज बरनाला में होगा अंतिम संस्कार, कल शाम लंबी बीमारी के बाद चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ था निधन, 91 साल के थे बरनाला। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी ढेर, बाकी आतंकी वापस लौटे, बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने किया एनकाउंटर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक का आज से होगा आगाज, सरकार के कामकाज और संगठन की मजबूती पर रहेगा जोर। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का विवादित बयान, खादी से महात्मा गांधी की जगह मोदी की तस्वीर लगाने को बताया सही, कहा गांधी की तस्वीर लगने से खादी सिर्फ डूबी। अनिल विज के बयान पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा यह उनकी निजी राय। विवाद बढ़ने पर बयान से पलटे विज, कहा निजी राय से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो बयान वापस लेता हूं। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस फाइल पर गरमाई हरियाणा की सियासत, कांग्रेस ने पीएम से की हस्तक्षेप की मांग। बहुचर्चित सुनपेड़ हत्याकांड में 7 दोषियों को सोमवार को सुनाई जाएगी सजा। कैशलेस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटी बीजेवाईएम, भीम ऐप से लोगों को करवाया अवगत। योगेश्वर दत्त की सगाई हो चुकी है, 16 जनवरी को शादी होगी। नरसिंह यादव डोपिंग केस में नरसिंह ने सीबीआई में अपना बयान दर्ज करवा दिया है। और पुणे में भारत इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आज से होगा आगाज।
आज मौसम फिर से ले सकता है करवट, सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हो सकता है आज।